आज मैं आपके लिए लेकर गया हूँ आरवी वन प्लस, ये मैं आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ 20,000। फ्रंट में आपको जो है 17 इंच का व्हील मिल जाता है। उसके अलावा ये एक फाइबर की बॉडी है, उसके साथ साथ में आपको एक LED हेडलाइट्स मिल जाती है। तो मेन स्क्रीन पे आपको जो है 6 इंच का LCD डिस्प्ले मिल जाता है, उसमें ये दिख जाएगा कि गाड़ी कितनी चार्ज है, कितनी किलोमीटर और चल सकती है, कितने किलोमीटर और चल चुकी है, कौन से मोड में है। जब आप चाबी लगाएंगे और इसको घुमाएंगे बस, अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे जो हैंडल दे रखा है उसको पकड़ के डायरेक्टली बैटरी को बाहर निकाल लेना है। तो ये इलेक्ट्रिक, धूप भी पड़ेगी, सर्दी भी आएगी, बारिश भी आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हमारे यहाँ पे कस्टमर आए थे, हेलो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ अभिजीत दीक्षित, और आज हम लोग जो है रिवोल्ट की गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, EV यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि जो आने वाले टाइम में जो पेट्रोल की रेट है वो तेज़ी से बढ़ने वाली है, तो उसी चीज़ को देखते हुए कस्टमर के लिए वैल्यूएबल दाम पे अपन लेकर के आए हैं रिवोल्ट की RV वन प्लस। काफ़ी ही बेहतरीन गाड़ी है सर, काफ़ी ही अच्छी गाड़ी है। सबसे पहले अपन फ्रंट की बात करते हैं, तो फ्रंट में आपको जो है 17 इंच का व्हील मिल जाता है। उसके अलावा ये एक फ़ाइबर की बॉडी है, उसके साथ साथ में आपको एक LED हेडलाइट्स मिल जाती है, और साथ साथ में आपको यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। मतलब अगर आप गलती से किसी से टकरा भी जाते हैं तो भी ये जो इंडिकेटर हैं ये इंडिकेटर टूटेंगे नहीं, इंडिकेटर बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, इंडिकेटर एकदम फ्लेक्सिबल है। उसके साथ साथ में अपन मेन स्क्रीन पे आते हैं, तो मेन स्क्रीन पे आपको जो है 6 इंच का LCD डिस्प्ले मिल जाता है, उसमें ये दिख जाएगा कि गाड़ी कितनी चार्ज है, कितनी किलोमीटर और चल सकती है, कितने किलोमीटर और चल चुकी है, कौन से मोड में है और क्या गाड़ी की स्पीड है। बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है 3.25 kWh की बैटरी है, और इसमें साथ साथ में आपको चार्जर रखने का स्पेस भी मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ सर इसके चार्जर रखने का स्पेस, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ये चाबी को यहाँ पे लगाना है, उसको घुमाना है, और ये सीट बिल्कुल इजीली वे में खुल जाती है। इसमें आपको चार्जर रखने का स्पेस मिल जाता है, चार्जर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आता, इतना ही बड़ा चार्जर आता है कि इस स्पेस में चार्जर आ सके। इसको बंद करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो हुक है इस हुक को इस वाले हुक में पिरोना होता है सर, इस वाले हुक में ऐसे डालो और एक क्लच की आवाज़ आएगी और ये गाड़ी ईजीली बंद हो जाती है। गाड़ी इतनी इजी है सर कि आप किसी 14-15 साल के बच्चे को भी दे देते हैं अगर गाड़ी, तो वो भी बहुत इजी तरीके से गाड़ी को चला सकते हैं, लेकिन 14-15 साल के बच्चे को देनी नहीं है बिना लाइसेंस के। गाड़ी में और भी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे जो गाड़ी है ये इसका पार्किंग मोड है, पार्किंग मोड में पता पड़ जाता है कि अभी पार्किंग मोड में है या नॉर्मल मोड पर है। जैसे ही आप गाड़ी को ऑन करते ही ये जो गाड़ी है ये अभी पार्किंग मोड पे है, ये अभी रेड साइन दिखा रही है, तो पार्किंग मोड से सबसे पहले आपको नॉर्मल मोड पे लाना पड़ेगा। उसके अलावा फिर आपको इसका जो स्टैंड है वो स्टैंड को हटाना पड़ेगा। जब तक आप स्टैंड को नहीं हटाओगे तब तक ये गाड़ी रेडी मोड पे नहीं आएगी, और अभी आपके सामने मैंने स्टैंड हटाया, अभी ये गाड़ी जो है वो रेडी मोड पे आ चुकी है। इसके साथ साथ में आप इसकी बैटरी को भी निकाल सकते हैं, बैटरी निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। बैटरी निकालने के लिए बस आपको चाबी घुमानी है और हल्का सा इसमें जो है जोर लगाना है, हल्का सा बिल्कुल, और ये बैटरी, ये जो सीट, ये जो डिक्की है वो खुल जाएगी। इसमें आपको डॉक्यूमेंट रखने जितना स्पेस दिया है, इसके साथ साथ में आपको एक फ़र्स्ट एड भी दिया जाता है, और फर्स्ट एड के साथ साथ में आपको एक टूल बॉक्स भी दिया जाता है। फिर इसको आप लोग, बस एक ट्रे है इसको आप साइड पर रख दीजिए, और फिर उसके बाद आपको बैटरी सामने दिख जाएगी। बैटरी निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबसे पहले तो MCB डाउन करिए, फिर उसके बाद जो है यहाँ से एक ये हुक दे रखा है, इस हुक को निकालिए। जैसे ही आप इस हुक को निकालेंगे ये जो है ये फ्री हो जाएगा, इसको फिर अनलॉक कर दीजिए ऐसे करके बस। फिर उसके बाद इसको साइड पर रख दीजिए, इधर साइड में स्पेस दे रखा है, इसके साथ साथ में रख दीजिए। यहाँ पर आप जब आप चाबी लगाएंगे और इसको घुमाएंगे बस, अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे जो हैंडल दे रखा है उसको पकड़ के डायरेक्टली बैटरी को बाहर निकाल लेना है। बैटरी ज़्यादा हैवी नहीं है, बैटरी सिर्फ 23 किलो। और उसके साथ साथ में वापस बैटरी को लगाने के लिए आपको दोबारा चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाबी को निकाल लीजिए
और चाबी को अपने पास रख लीजिए। फिर उसके बाद बैटरी को उठाइए और जिस वे में आपने बैटरी बाहर निकाली थी उसी वे में ही बैटरी को वापस अंदर डालना है, ऐसे या फिर उल्टा नहीं डालना है। जिस बैटरी को जिस वे में है उसी वे में ही इस बैटरी को वापस लगाना है। ये जो फीचर है ये फीचर इसलिए दिया गया क्योंकि जो लोग जो फ्लैट में रहते हैं वो लोग अगर बैटरी चार्ज करेंगे तो वो बैटरी कैसे चार्ज करेंगे, इसलिए उनको ये फीचर दिया हुआ है ताकि वो बैटरी निकाल सकें, वो अपने फ्लैट में जाएं और फ्लैट में जा कर के बैटरी को चार्ज पे लगा सकें। और बाकी जिस वे में आपने बैटरी निकाली थी उसी वे में ही आप बैटरी को वापस डाल दें। और वापस रीस्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जैसे ये वायर है इसको वापस से आपको इसमें डालना है, उसके बाद इस हुक को लगाना है, उसके बाद जो है इसको ऑन करना है और वापस से गाड़ी स्टार्ट होने के लिए तैयार है। ट्रे लगाना मत भूलिएगा सर, ये डॉक्यूमेंट रखने के लिए काम आता है सर, डॉक्यूमेंट रखने का स्पेस जो है, मोबाइल भी रख सकते हैं इसमें। और इसके अलावा इसको बंद करने के लिए बस आपको इसको हल्का सा पुश करना है, गाड़ी बंद हो जाएगी। और वापस से आप इसको लगा करके देखना चाहें तो ये वापस से गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने आपके सामने बैटरी निकाली, बैटरी बाहर निकाली, बैटरी वापस लगाई और बैटरी वापस निकाल के वापस जो है गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दिया, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है, उसको आप इसके साथ साथ आपको यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है। चार्जिंग पॉइंट ऐसा कोई भी नॉर्मल पॉइंट होगा आपके घर में जिसमें के 3 पिन जो है वो लग सके, उसमें आप लगाइए, काफ़ी लंबा चार्जर है, उसके साथ साथ में आप इसको अटैच करिए, 3.5 घंटे में गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है, 3.5 घंटे में गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है, गाड़ी जो है 160 किलोमीटर तक चल जाती है एक चार्ज में 160 किलोमीटर तक चल जाती है। और चार्जर के लिए वही चाहिए नॉर्मल, वो जो लैपटॉप सॉकेट होता है वही ना? हाँ, चार्जर के लिए नॉर्मल जो सॉकेट होता है 3 पिन वाला, 3 पिन वाला सिर्फ वही चाहिए, ठीक है। हाँ, और उसके साथ साथ में आपको ये जो इसके साथ साथ में आपको यहाँ पे जो स्टैंड है ये भी दिया जाता है, इससे जो है वो पीछे के लिए कंफर्ट के लिए दिया जाता है। और ये दोनों तरफ जो फुटरेस्ट जो आपको दिए गए वो देखने के लिए, गाड़ी जो है 105 किलो की गाड़ी है, 105 किलो की गाड़ी है, 250 किलो तक ये गाड़ी वज़न ले सकती है, यानी कि इस पर 3 जने आराम से बैठ सकते हैं, 3 जने आराम से बैठ सकते हैं। और 3 जनों के अलावा भी आप अगर इस पर वज़न डालें तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर, ईज़िली आप गाड़ी को रन कर सकते हैं, गाड़ी पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई लोड नहीं आएगा, इवन बैटरी पे भी कोई लोड नहीं है। बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाना जो है वो बहुत ही रिस्की काम है, हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, आपके परिवारजन जो हैं उनके साथ कुछ गलत हो जाए, इससे अच्छा है कि एक 500-1000 रुपये का हेलमेट खरीदिए। और एक हेलमेट पहनना बिल्कुल अनिवार्य है। मुझे एक चीज़ बताओ, कोई गाड़ी आपसे परचेज करके जाएगा, हेलमेट आप दोगे या हमें लेना पड़ेगा? हेलमेट हम नहीं, आप गिफ्ट करोगे ना? नहीं, गिफ्ट नहीं करेंगे, खरीदना पड़ेगा, एसेसरीज में आता है हेलमेट। एसेसरीज में आता है क्या? हाँ यार, मैम ने तो बोला गिफ्ट करेंगे लास्ट टाइम लिया मैम ने, ठीक है चलो। और क्या मिल जाता है इसमें? 2 जने बैठ सकते हैं, कैपेसिटी कितनी होती है? 250 किलोमीटर की, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, है तो ये इलेक्ट्रिक, धूप भी पड़ेगी, सर्दी भी आएगी, बारिश भी आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हमारे यहाँ पे कस्टमर आए थे, उन्होंने पूछा था कि इसमें वाटर सिक्योरिटी मिलती है कि नहीं मिलती, लिक्विड सिक्योरिटी मिलती है कि नहीं मिलती। बिल्कुल सर, आपको लिक्विड सिक्योरिटी मिलती है। अगर आप इसको बिल्कुल पानी में भी चलाना चाहें और आपको ऐसा लगता हो कि पानी में चलाने से जो है गाड़ी ख़राब हो जाएगी या किसी भी तरीके की जो है गाड़ी में फंक्शन में दिक्कत आ जाएगी, तो इस तरीके का कुछ भी होने वाला नहीं है। धूप से भी उसको ऐसा कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता है। ईवी जो है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर्ड गाड़ी है। और ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इन्होंने पहले ही मार्केट में सारे टेस्ट करे हुए हैं, सारे टेस्ट करने के बाद ही इस गाड़ी को लॉन्च किया गया, ठीक है। सर्विस की बात करूँ अगर, क्या क्या मिलता है सर्विस में? सर्विस की अगर बात करी जाए तो सर, सर्विस में आपको जो है ना, सर्विस जो है वो पेड सर्विस है, सर्विस जो है वो फर्स्ट सर्विस भी, फ्री सर्विस तो नहीं है, लेकिन सर्विस पेड सर्विस है। सर्विस में आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है, जैसे आप अगर नीचे वर्कशॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो गाड़ी को क्लीन करना हो गया है ना, वाटर वॉश करना हो गया और सोप वॉश करना हो गया, सबसे पहले तो ये मिल जाता है। उसके अलावा अगर कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो उस डैमेज पार्ट की जो रिपेयरेंस है
वो मिल जाती है। बैटरी में अगर किसी भी तरीके की कोई भी वायरिंग में दिक्कत आ जाती है तो वो भी इसमें रिजॉल्व हो जाती है। उसके अलावा टायर में अगर किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत आती है तो वो भी रिजॉल्व हो जाती है। बैटरी जो कॉस्टिंग कितनी आती है? सर्विस की कॉस्टिंग है 630 रुपीज़। सर्विस की कॉस्टिंग है 632 रुपये। 632 रुपये ठीक है। और कितने टाइम में कराते हैं किलोमीटर? सर सर्विस जो है वो आप 3000 किलोमीटर पर करा सकते हैं। करा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ आता नहीं है? नहीं ज़्यादा कुछ। ठीक है, और टाइम कितना लगाते हो सर्विस में? सर टाइम लग जाता है 1 से 1.5 घंटे। अब फाइनली बात करते हैं इसकी प्राइस की। हाँ बताओ सर, इसकी जो प्राइस है, अब मेन बात जो है वो प्राइस की आती है। सर इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस आपको पड़ जाती है 1,09,000 विदाउट एसेसरीज। ये मैंने सब्सिडी माइनस करके बताया है, वैसे ये 1,19 की पड़ जाती है। विद एसेसरीज ये 1,12 ऑन रोड विद एसेसरीज पड़ जाती है। इसमें क्या क्या मिलता है एसेसरीज में? एसेसरीज में सर आपको एक तो लेग गार्ड मिल जाता है, इधर की तरफ एक लेग गार्ड आता है, और एक वाइजर मिल जाता है, मेन स्टैंड मिल जाता है, एंड हेलमेट मिल जाता है। चार चीज़ें मिल जाती हैं? चार चीज़ें। ठीक है, एक बार ये समझा तो ये क्या है? पार्ट्स तो हैं इसके बता दो। हाँ ये RV 400 के पार्ट्स हैं सर। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है जो है? हाँ। वो सारी बाइक यहीं आ गई। हाँ इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सारी बाइक को एक बार खोल के रखा गया है। टायर वही 17 इंच का टायर है, जो इसका टायर है वही उसका टायर है। टायर जो है बिल्कुल सेम है, टायर जो है बिल्कुल सेम है। सीट जो है, अब हम सीट की बात करते हैं तो उसकी सीट आप एक बार देखो, आप उसकी सीट जो है ये सीधी सीट है। ये वाली सीट जो है ये फैमिली के हिसाब से दी गई है ताकि 3 जने आराम से बैठ के जा सके। और ये जो गाड़ी है, ये वाली जो गाड़ी है ये पूरी खोल के रखी गई है। ये थोड़ी कॉलेज टाइप गाड़ी है, कॉलेज के हिसाब से गाड़ी दी गई है। और नीचे मोटर आ जाती है? नीचे मोटर आ जाती है बिल्कुल। ये वाली डली हुई है मोटर? हाँ बिल्कुल डली। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हो गए, डिग्गी हो गई, बैटरी का हो गया। हाँ ये हैंडल हो गया। तो अब ये चीज़ बताओ, अगर फाइनेंस आप कर देते हो, हाँ उसमें एक डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बस बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? इसके अलावा कुछ। डाउन पेमेंट क्या लोगे? डाउन पेमेंट 15-20 से नीचे नहीं है। 15-20 हज़ार में काम हो जाएगा। आज मैं आपके लिए लेकर गया हूँ RV OnePlus, ये मैं आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ 20,000। पक्की बात है? पक्की बात है सर, 20,000 रुपये मिल जाएगी। यस। आना कहाँ पर है? यस सर, रिवोल्ट शोरूम, रिवोल्ट हब, सांगानेर थाना, सीताबाड़ी, जयपुर। और कोई अपनी वीडियो देख के आ गया तो स्पेशल डिस्काउंट क्या करोगे? अगर कोई अपनी वीडियो देख करके आया है आप दो डिस्काउंट क्या दोगे, क्या दे सकते हो? कट जाएगा बोलो ना, कुछ है क्या, कुछ दे सकते हो? पूनम मैम से बात करनी पड़ेगी, पूछो। कोई भी आपकी वीडियो देख करके बाइक लेने के लिए आता है तो 2500 की जो एसेसरीज लगती है, 2500 की जो एसेसरीज लगती है वो सिर्फ 2000 रुपये में काम हो जाएगा। 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल। पक्की बात रहेगी? पक्की बात रहेगी सर। ठीक है, आप यहीं मिलोगे? यस सर, मैं यहीं मिलूँगा। जो नंबर दे रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल। टाइमिंग क्या रहेगा ऑफिस का? 9:30 से 7:30। कहीं से भी आ सकते हैं व्यूवर्स? बिल्कुल, व्यूवर्स कहीं से भी आ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एन एक्सपर्ट राइड को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।